ये हमारा अब्दुल्ला भाई और हमारा माफी ते रखना पड़ता है, कहीं कोई सामान गिरता नहीं, गिर तो नहीं रहा है। ये है अपना, क्या गिरा यार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम बैक टू डेली शायर ब्लॉग। दोस्तों अभी टाइम देखो 21:58, यानी कि पौने 10 बज गए समझो, रात का टाइम है, 10 बज रहे हैं। अभी हम रियाद से जा रहे हैं गांव को, वही जो गांव हम पहले जाते थे हम। तो घर में से देखो ये चावल आया है और ये खाना खाना है जल्दी जल्दी में, रुको अभी तक गाड़ी में सामान लोड किया इसीलिए हालत पूरी बैंगन में मिल गई। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी खा के जो है रेडी होके निकलते हैं। वैसे इधर मैंने बैग पैक कर लिया है और क्या क्या सामान है वो लेके जाना है इंशाल्लाह। दो लोकेशन देख के रखा हूँ होरिमला गांव के आसपास में, हो सका तो वहाँ पर विजिट ज़रूर करूँगा। देखते रहना, मिलते हैं आपके साथ, क्योंकि अब फैमिली होती है साथ में तो वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, पहले खाना खाता हूँ जल्दी जल्दी, फिर निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई निकल गए हैं रास्ते पे। देखो ये लेफ्ट साइड में कितना ट्रैफिक है, ये सब वादी नमार में जाने के लिए तरस रहे हैं। वादी नमार में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है, लेकिन लोग खुशी खुशी पे आते हैं इंजॉय करने के लिए। अल वादी नमार और वादी हनीफा या फिर अलहायर पार्क, अलहायर लेक पार्क, वहाँ पर जाते हैं। वैसे सिग्नल पे भी देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। वैसे ये सामने हमारा ही गाड़ी है, हाइलुक्स में ड्राइविंग करना। वैसे मेरे गाड़ी में ज़्यादा पैसेंजर नहीं है, आज मेरी गाड़ी में सिर्फ दो पैसेंजर है, अब्दुल्ला है और हमारा मोटू है। अभी इनको ले लेके जा रहा हूँ मैं, मेरी गाड़ी के ऊपर साइकिल बांधा हुआ है, अगर मैं ज़्यादा इधर उधर करूँगा ना तो मसला हो सकता है। वैसे नाइट में गाड़ी चलाने का मज़ा बहुत आता है भाई मेरे को। इधर से जिद्दा मारा था ना मैं, जरा अंगूठा दर्द होने तक मैं गाड़ी चलाया था, पैर का अंगूठा एक्सीलेटर दबा दबा के अंगूठा दर्द हो गया था मेरा, उतना तो गाड़ी भगाया था मैं। अभी देखो ये कोई बंदे ने पूछा था मेरे को कितना ट्रैक होता है इधर, तो देखो 1, 2, 3, 4 ट्रैक होता है, 4। पहला 120, 100, 80, 60, 4 नंबर। ठीक है, मैं अभी जाऊंगा, देखो ये जो जीएम्स जा रही है वो 120, ये अभी आ गया है 100 की स्पीड में, अभी मैं चल रहा हूँ 110 की स्पीड में इसमें। अभी जो बस जा रही है वो है 80 और उसके बाजू वाला है 60, यानी कि वो बड़े बड़े ट्राले चलने के लिए उधर होता है। और डिफरेंट भी होता है यहाँ पर रोड में, जो डालते हैं ना डामर उसमें भी डिफरेंट डालते हैं, क्योंकि राइट साइड से हेवी गाड़ियाँ चलती है तो थोड़ा हेवी वाला डामर डालते हैं। वैसे अब उसके उससे ज़्यादा मेरे को नहीं पता रोड के बारे में, क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ। अभी देखो निकल चुके हैं भाई। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी रहता है कि भाई क्या फ्लाइट चालू हो रही है, वो ये करके सवाल कर रहे हैं ना। तो भाई देखो आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पे सऊदी अरब में वीज़ा अपडेट करते जा रहे हैं, लेकिन फ़्लाइट का कोई अपडेट नहीं आ रहा है। आप लोगों ने आज देखा होगा, आज की तारीख में ईद की शाम में और एक अपडेट आया है कि यहाँ के जो किंग है उन्होंने फिर से अखामी यानी कि वीज़े अपडेट करवा दिए हैं 31 अगस्त तक। तो इसका क्या मतलब है, यानी जब तक फ़्लाइट फिर से नहीं खुलेगी तो आप समझ सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा लगा करके समझ जाना चाहिए आपको। देखो कैसे भगा रहे हैं, वो यहाँ बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर साइड दे देते हैं लोग, साइड देना ज़रूरी भी होता है। हमारी गाड़ी भाग रही है सामने यार, वो गाड़ी के पीछे मेरे को रहना है, क्योंकि गाड़ी में जो सामान बांधा हुआ है ना उसको सिर्फ रस्सी से बांधा है, उसके ऊपर कुछ ढापा नहीं है, इसीलिए मेरे को उस गाड़ी के पीछे रहना ज़रूरी है। तो अभी हम चलते हैं उस गाड़ी के पीछे। जब भी रात का ड्राइविंग रहता है ना, रात में अगर कभी निकलना है ना, कहाँ पर भी जाओ रात में, कितना भी दूर 1000 किलोमीटर भी तुम क्यों नहीं जाते, मेरे को इसी गाड़ी के पीछे रहना पड़ेगा। चाहे 100 का स्पीड रहने दो, चाहे 110 का स्पीड रहने दो, चाहे 80 का स्पीड रहने दो, वो गाड़ी के पीछे पीछे ही मेरे को रहना पड़ेगा, क्योंकि वो गाड़ी में ओवरलोड सामान होता है। ओवरलोड यानी कि वो हाइलुक्स का कैसा बॉडी होता है आपको पता ही है, उस बॉडी में जो इतना सारा सामान रहता है उसमें ऊपर से और मशीन भी रहता है उसमें आइसक्रीम वाला, तो ये सारा मेरे को पीछे से ध्यान रखना पड़ता है, कहीं कोई सामान गिरता नहीं, गिर तो नहीं रहा है। ये है अपना, क्या गिरा यार, मेरे को लगता है कुछ गिर गया है, पता नहीं किस में से क्या गिरा है। ओ तेरी, क्या गिरा यार, मेरे घड़ी के नजदीक जाके
अब जो आइसक्रीम की मशीन थी उसके ऊपर के दो ढक्कन जो है निकाल के अंदर दे दिया गाड़ी रोक के, क्योंकि अब मेरे को नहीं पता, कुछ ना कुछ गिरा जैसा मेरे को लगा। अगर सही में गिर गया है तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो गाड़ियों के नीचे आके टूट जाएगा, नया मंगाना पड़ेगा यार। इसको ऊपर से कपड़ा बांधना ज़रूरी था, लेकिन क्या करेंगे, अब मेरी गलती हो गया, मैंने इसको कपड़ा नहीं बांधा है, क्योंकि वो बांधने का चांस ही नहीं था, उतना रस्सी उसको बांधा हुआ है। अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते भैया। अभी चलते हैं सीधा हरिमला, मिलते हैं वहाँ जाने के बाद। मेरे को 100% गारंटी है वो कुछ ना कुछ उड़ के गिरा है इसमें से, अब क्या गिरा है पता नहीं है, अल्लाह हो आलम। अब ये एरिया ऐसा है कि इधर तुमको खंभे नहीं मिलेंगे रोड पे, अंधेरे में चलाओ गाड़ी, मजे लो खाली। अब क्या दिखता भैया अंधेरे में, कुछ भी उड़ गया तो दिखता, नहीं दिखता ना। अब यहाँ पर कहाँ पर कैमरा रखे हुआ है वो भी नहीं मालूम होता, इसलिए 120 से अंदर ही चलना पड़ेगा गाड़ी लेके। उससे ज्यादा गाड़ी लेके जाएंगे हो सकता है कैमरा फ्लैश मार दे फचाक करके, वो भी हो सकते है। सामने कोई छोटा सा गांव है, ये गांव का नाम मेरे को याद ही नहीं आता है, कौन सा गांव है ये, क्या है, अल्लाह हु आलम। यहाँ बोर्ड रहता है सामने, और चलते हैं सीधा। ये जॉब होता है, देखो ऐसे जॉब होते हैं हमारे ड्राइवर लोग के, ऐसा काम करना पड़ता है और रातों में निकलना पड़ता है। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई हम ग्लासेस लगाते हैं, पहले ये देख लो कि रात में गाड़ी चला पाओगे कि नहीं। रात में गाड़ी चला लोगे तो समझो आप सक्सेस है, आप दिन में भी गाड़ी चला सकते हैं। रात में गाड़ी चलाएंगे तो दिन में चला सकते हैं, ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है। पहले आपको गाड़ी चलाने का टाइमिंग देखना चाहिए रात में, ज़्यादातर ये लोग रात को ही निकलते हैं, रात के मज़े ही कुछ और होते हैं गाड़ी चलाने के। वजह क्या है, ट्रैफिक नहीं होता है ना, इसकी वजह से रात में निकलते हैं और कुछ भी नहीं। बस में चांद की चांदनी आसमां की परी, देखो भाई कितना खूबसूरत नजर आ रहा है चांद, माशाल्लाह। पीछे से गाड़ी आ रही है, ये है चांद और ये है रोड, क्या बात है। और इधर है अब्दुल्ला, केवल हाल सैयब शखबारक शलोमक अंत शोफा था गमर माशाल्लाह गमर या गमर। यहाँ पर तो इतना डेंजर दिखता है ना, ये जो टर्निंग है ना, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कुछ लाइटिंग लगाए हुए है। वैसे इधर से सेलबुक को रोड जाता है, सेलबुक विलेज को, इधर पहाड़ी में से बीच में से जाता है। तो इस पहाड़ी में जो है ना, रात में अकेले में राइड करना, यानी कि अकेले में गाड़ी लेकर के जाना चाहिए, मज़ा आता है गाड़ी चलाने का। वैसे मैं अकेला ही चला लेता कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे साथ में अब्दुल्ला है, और कितना बार अकेला आया गया हूँ रात में, कोई टेंशन नहीं है। टर्निंग थोड़ा खतरनाक वाला टर्निंग है यहाँ पर, वैसे आजू बाजू में पूरा आपको पहाड़ी इलाका मिलेगा। वैसे दिन में आपने देखा ही होगा, मैं दिन में भी वीडियोस बनाया हूँ इस रोड के, क्योंकि हर 2-3 महीने में हम इस गांव को जाते ही रहते हैं माशाल्लाह। कैमरा ब्लर कर रहा है क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह भाई गांव के करीब में आ चुके हैं, और ये यहाँ से थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। ये दिमाग में मेरे घूम ही रहा है, मैंने इसके ऊपर पर्दा क्यों नहीं बांधा होगा, क्योंकि अगर वो ढक्कन उड़ गया ना तो उसको ढूंढना पड़ेगा, वो मिलेगा नहीं आसानी से, आइसक्रीम का जो है माशाल्लाह। अभी आ गए हैं हरिमला, ये हो रही है हमारी एंट्री हरिमला में, फुल ऑफ टर्निंग। अरे भैया स्लो जाओ रे भाई, इतना भगा के आ रहे हो टर्निंग पे भी, देखो यार कितना भगा के आते हैं लोग। अभी देखो एंट्री हो गया है गांव में, आप चांद को देख सकते हैं, चांद जो है लेफ्ट साइड से सामने आ गया है अभी सामने, और ये है गांव में एंट्री हमारी। सामने कमान आएगा, वहां से एंटर हो जाएंगे। आपने दिन में देखा होगा मेरे वीडियोस में, पहले बहुत बार मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ इस गांव के, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हर मौसम में आते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग मैं जगहों पर विजिट करता हूँ। वैसे अभी जो है ये जो एक्सपीरियंस है रात में गाड़ी चलाने का, मैं सोचा दम्माम जाना, लेकिन दम्माम कैंसिल हुआ, फिर आना हुआ इधर हरिमला। या हरिमला माफी हरिम बस रिजाल अदखल बस रिजाल है ना। ये कमान से हमारी हो रही है एंट्री, लाइटिंग लगा दी गई है माशाल्लाह, लाइटिंग क्या बात है माशाल्लाह। हो गया एंट्री भाई गांव में हरिमला वेलकम। अभी देखो ये राउंड अबाउट आ गया है, राउंड अबाउट से हमको जाना पड़ेगा एसआर, यानी कि हम हो रहे हैं एंट्री नया गांव में। अभी सामने आप देखेंगे यहाँ पर है धीरा, इसको बोलते हैं धीरा, ये हम जा रहे हैं सीधा गांव में डैम के साइड में, हरिमला का जो डैम है
वहाँ पर हमको जाना पड़ेगा। यहाँ पर पुलिस स्टेशन है जो लोकल विलेज का पुलिस स्टेशन होता है, और अब ये टाइम पे सारा बंद हो जाएगा इधर, इंशाल्लाह चालू रहेगा तो अच्छा ही, नहीं तो सब बंद क्लोज। यहाँ पर है मस्जिद दीरा राइट साइड में, कितना अच्छा लाइटिंग लगाया हुआ है झाड़ों को माशाल्लाह, और लाइटों का भी रोशनी देखो ऑरेंज कलर का चमक रहा है। मेरे को पड़ गया था रुकना यहाँ पर मेडिकल के वास्ते, अब गाड़ी चले गई है आगे क्योंकि यहाँ से मेरे को लेना था पेनेडोल, एक पेनेडोल फुजी, पेनेडोल एक्स्ट्रा नहीं फुजी। यहाँ से फिर जाना है राइट, यहाँ ईद मुबारक करके लगाया हुआ है बोर्ड, ये बच्चों को बकाला चाहिए यानी सुपरमार्केट। यहाँ पर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इससे पहले हमारे फैमिली में से एक्सीडेंट हुआ था तो ये हॉस्पिटल में चार चार एम्बुलेंस भाग को आई थी, चार चार माशाल्लाह। ये देखो ये सामने है हरिमला का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये वाला ग्रीन वाला, ग्रीन लाइटिंग वाला हॉस्पिटल है। ये हमारा अब्दुल्ला भाई और हमारा माफी मुश्किल खाली माफी ता ما بس في واحد هنا في ثاني هنا على اليمين يلا رو 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 سرعة سرعة ما في ये सानी पीते हुए हम लोग जो है पहुंच गए गांव। ये है सानी, अभी हम जाएंगे अंदर, वहां जाने के बाद मैटर मालूम होएगा जो मैं बोला पहले उसके बारे में पता चलेगा तो क्या रिएक्शन रहेगा नहीं पता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। हवा बहुत आएगा आवाज हवा का, बाबा 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 कितने सालों से काम कर रहे हैं अभी तक खत्म नहीं हुआ देखो इनका। अम्मा यहाँ राइट साइड में है गार्डन, बच्चा लोग अभी भी खेल रहे हैं माशाल्लाह, गाड़ियां लगा के लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे। और यहाँ पर मैंने इससे पहले ये ब्रिज के नीचे गया था ना, ये ब्रिज का जो है काम चल रहा है, तोड़ के दूसरा वाला बना रहे हैं लोग। मैं एक बार गया, लगता है मेरा व्लॉग इन्होंने देख लिया इसीलिए इसको तोड़ दिया, तोड़ के नया बना रहे लोग, इसके अंदर भी घुस रहे बोल के, इसके अंदर इधर घुस के वो साइड में निकला था मैं, इसीलिए बंदों ने तोड़ दिया है। इसे फोकस बहुत चमक रहा है। इधर आ गए हम राइट साइड में है डैम, और लाइट से लेफ्ट साइड में हमारा मजरा, तो अभी हमको जाना है इसमें। लाइट इतना क्यों चमक रहा है, इतना फोकस क्यों आ रहा है लाइट्स का। यहाँ से लेफ्ट, ये हो गया है हमारा एंट्री माशाल्लाह। हाँ ये हो गया है एंट्री मजरा में माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो तो भाई अभी आ गए मजरा में, इधर पीछे ऊपर शान है। ये झाड़ है ना, ये झाड़ मेरे को हर बार डराता है। ये मेरा गाड़ी लाइट चालू करके वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये गाड़ी इसे घुमा के लेके आया हूँ। इधर रहता है दोस्त, अभी वो सोया होगा तो मैं इधर जाऊँगा बैठूँगा उधर। मैं दूध लाना भूल गया, अगर दूध लाता तो चाय वाय बना लेता था इधर, क्या करेंगे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पहुँच गया है इधर गेस्ट हाउस में, और ये फिलिपिनी बॉय रोनाल्डो वालेकुम सलाम। इधर छोटा छोटा पिल्ला लोग बैठा हुआ है। ओपन 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 दैट रूम, यस ओपन लाइट्स। ओफ ओफ टोटली हॉट, ओपन ये टीवी डाइनिंग टेबल। वो 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 ये देखो ये देखो ये देखो फोन जाके किधर गिरा। अभी रात के 2 बज रहे हैं टाइम, अभी मैं बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर गिर गया नीचे। कैसे गिरा, वो स्केटबोर्ड जो आता है ना, स्केटबोर्ड जिसको बोलते हैं, वो अपने को चलाना आता नहीं है पहले तो, अच्छा हुआ मुंह के बल नहीं गिरा ना तो पूरा मुंह फूट जाता था मेरा, ऐसे पीछे लुढ़क गया, इधर हाथ को मार लगा और सर को मार लगा, पीछे हुआ कुछ भी नहीं, यहीं पर इसी जगह पर ट्राई कर रहा था। मैं दिखाता हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को पता है वो लड़के के पास में वो लेके चला गया अभी उधर, हाथ पूरा दर्द हो गया यार। रात के 2 बजे देखो ऐसे काम करता हूँ मैं, कभी कभी कोई नहीं है, पूरा सुमसा में मजरा, सब सो गए अभी, हमारा रोनाल्डो भी सो गया जो फिलिपिनी बॉय है,
बस अपना अपन ही घूमते रहते इधर उधर। अभी जा रहा हूँ अंधेरे में फिर से, क्या बोलते केराक। सो फ्रेंड्स, नाउ इट इज़ 3 o'clock मॉर्निंग, यानी कि सुबह का 3:03 टाइम हो गया है। मजरे में अकेला घूम रहा हूँ, नींद नहीं आ रही है क्योंकि सुबह बोल रहा हूँ, काम होने के बाद मैं सो गया था तो क्या गिरा हुआ है। ओह कुछ नहीं, थोड़ा नीचे देख रहा था, पता नहीं क्या गिरा हुआ है क्योंकि जंगल है ना, कुछ भी आ सकता है इधर। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। जो मैं बोला था वो 100% सही बात हुआ है, जो वो आइसक्रीम का मशीन है उसी का एक कवर उड़ के रोड पे गिर गया है, वो बात पक्की हो गई है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मॉर्निंग में एक डेस्टिनेशन पे जाने वाला हूँ, तो वहाँ पर क्या है क्या नहीं मेरे को पता नहीं है, इंशाल्लाह शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में। क्योंकि गांव में आके एक एक बार एक एक जगह ट्राई करता हूँ, अगर सक्सेस हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, ख्याल रखिएगा अपना। माँ सलामा, अल्लाह हाफिज़। कौन है रे, कोई भी तो नहीं है ना यार, कहीं को डराते यार।